तो ये है अपनी नई मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। भाई आपको तगड़ा सेफ्टी भी मिल गई इस गाड़ी में, माइलेज का बाप बन गया है इस सेगमेंट में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटो स्पीड इंडिया। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया रहोगे। तो आज हम लोग आए हैं एक गाड़ी का वॉक अराउंड करने, और ये गाड़ी सबकी फेवरेट है और हमेशा टॉप चार्ट्स पे रही है, और कंपनी ने इसको अब उतार दिया है एकदम न्यू फेस लिफ्ट करके। और हम बात कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो मैं एक और हिंट दे देता हूँ आपको, ये गाड़ी में एकदम तगड़ा मॉडिफिकेशन होता है। मतलब जितना मॉडिफिकेशन करो उतना मॉडिफिकेशन करते रहोगे, और ये गाड़ी है मारुति की। अब समझे नहीं समझे, ठीक है बता देता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं स्विफ्ट 2024 फेस लिफ्ट की, और मैं अब आपको दिखाता हूँ गाड़ी, और ये है अपनी गाड़ी। तो ये है अपनी नई मारुति सुजुकी की स्विफ्ट 2024, और आज हम इसी गाड़ी का वॉक अराउंड करने वाले हैं और आपको सारी डिटेल्स बताएंगे इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में। गाड़ी में बहुत सारे चेंजेस कंपनी ने किए हैं, इंटीरियर में भी किए हैं, एक्सटीरियर में भी किए, और गाड़ी और प्यारी हो गई है। तो भाई अब मैं वेरिएंट्स की पहले बात कर देता हूँ। तो वेरिएंट्स में आपको मिलेंगे 5 वेरिएंट्स, LXi, VXi, VXi ऑप्शनल, ZXi और ZXi प्लस। अपना जो AGS वेरिएंट है, बेसिकली ऑटोमेटिक वेरिएंट, वो अपने को आ जाता है VXi से ही चालू हो जाता है। CNG का आया नहीं है वेरिएंट इसमें, जो हालांकि फेस्टिव सीजन में ये साल कंपनी निकालने का प्लान कर रही है, तो CNG भी ज़रूर आएगा ही 100%। तो हमारे पास जो अभी वेरिएंट आया है वो है VXi ऑप्शनल AMT, और ये जो कलर है ये कलर है मैग्मा ग्रे। तो भाई मैंने आपको वेरिएंट्स बता दिया, प्राइसिंग की हम बात करें तो स्विफ्ट नई जो आई है उसका प्राइसिंग चालू होता है 6,49,000 एक्स शोरूम से लेकर 9,50,000 अप्रॉक्सीमेटली। बाकी लाख सवा इंश्योरेंस, रोड टैक्स वगैरह सब डाल के अपने स्टेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो भाई हमारे पास ये जो गाड़ी है ये है VXi ऑप्शनल AMT, और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 8,06,000। भाई तो गाड़ी की चाबी कुछ इस तरीके से आती है, ये मैं आपको चाबी दिखा रहा हूँ। दो कीज़ आती है, फॉब कीज़ ब्लू कलर की, जो स्टैंडर्ड मारुति की लॉक अनलॉक का आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से बढ़िया सी छोटी कॉम्पैक्ट की आ जाती है। तो अभी बिगर टाइम वेस्ट किए बात करते हैं गाड़ी के बारे में। तो सबसे पहला चीज़, मारुति ने एकदम तगड़ा काम किया हुआ है इस गाड़ी में। आया है अपने पास नया जेड सीरीज इंजन, जो भाई माइलेज का बाप बन गया है इस सेगमेंट में। ऑटोमेटिक गाड़ी देती है माइलेज आपको 24.75, और मैनुअल गाड़ी आपको माइलेज देती है 24.8। भाई कितना माइलेज दे रही है, CNG की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास। तो पहला चीज़ मारुति ने जो चेंज किया वो इंजन चेंज किया है। उन्होंने सस्पेंशन पे भी काफ़ी सारा काम किया हुआ है। वैसे तो मारुति के सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया रहते हैं, ट्यून्ड अप रहते हैं फॉर इंडियन रोड, सबसे बेस्ट ट्यून्ड अप रहते हैं। ये मेरा सजेशन है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। और सबसे बड़ी चीज़, मारुति ने बोला भाई हुंडई वाले और सब कर रहे तो हम क्यों सेफ्टी में पीछे रह जाएं। तो इन्होंने 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिया अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम स्टैंडर्ड, इसके अलावा हिल होल्ड असिस्ट स्टैंडर्ड, बॉस ABS, EBD सब कुछ फीचर्स आपके पास आ गए हैं। तो ये तीन चीज़ें जो मैंने बताई आपको, 6 एयरबैग, ESP और हिल होल्ड असिस्ट, तो ये हो गए अपने गाड़ी में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स। तो और क्या चाहिए भाई, आपको तगड़ा सेफ्टी भी मिल गई इस गाड़ी में। अब हम बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की। पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक्सटीरियर में। भाई यहाँ पे है ना पियानो ब्लैक फिनिश का ग्रिल आ गया है, जो बहुत ही तगड़ा लग रहा है। आगे से गाड़ी का जो लुक्स है वो ऑलमोस्ट चेंज कर दिया उन्होंने। तो ये पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे मिल जाता है हमें, और यहाँ पे बम्पर पे नीचे ब्लैक कलर का कर दिया है। हालांकि अगर ये पियानो ब्लैक ये भी दे देते तो बढ़िया हो जाता था। उसके बाद मैं बात करूंगा सुजुकी का लोगो जो ग्रिल पे होता था, अब यहाँ ऊपर आ गया है जैसे हमारी अल्टो में आता है। और आगे से थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हो गया है, बोनट थोड़ा सा ऊपर आ गया है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर हमें मिलता है हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स। उसके अलावा आप यहाँ देखोगे दूर से, ये आपको कुछ सिल्वर फिनिश का दिख रहा है, दूर से आपको लगेगा कि DRL है, बट ये DRL नहीं है, ये क्रोम फिनिश में दिया गया है, जो आपको दूर से DRL जैसा ही लगेगा। अब इसमें आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते, फॉग लैंप्स सीधा आ जाते हैं आपके ZXi प्लस वाले वेरियंट में। तो ये इस तरीके से कुछ चेंजेस थे गाड़ी में आगे। बाकी आपके दो नॉर्मल वाइपर्स दिए गए हैं और वॉशर फ्लूड दिया हुआ है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आगे के गाड़ी के फ्रंट लुक्स है, फ्रंट प्रोफाइल है। तो भाई अब आ जाते हैं रेयर प्रोफाइल पर गाड़ी के। गाड़ी में हमें
बम्पर का लुक्स पीछे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, बट जो चेंज हुआ है तगड़ा लुक वो है ये टेल लाइट, सी शेप में आ जाता है और थोड़ा सा स्मोकी फिनिश है जो अंदर ब्लैक कलर का दिया गया है। हेडलाइट भी बहुत तगड़ा लग रहा है, उसको भी उन्होंने स्मोकी टाइप कर लिया है अंदर। तो ब्लैक कलर का जो एलिमेंट अंदर हेडलाइट्स में और टेल लाइट्स में डाला है बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। आप कमेंट करके बताना आपको कैसे लगा। तो टेल लाइट उन्होंने कुछ इस तरीके से की है, नए तरीके की एलईडी टेल लाइट्स है सी शेप में, जो बहुत ही बढ़िया लग रही है। भाई यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 4 पार्किंग सेंसर्स गाड़ी में, उसके अलावा यहाँ पे स्विफ्ट की बैजिंग और सुजुकी का लोगो यहाँ पे मिल जाता है। बॉस VXI वेरिएंट में आज की डेट में आपको मिल जाता है यहाँ पर डीफॉगर, रेयर डीफॉगर भी मिल जाता है। वाइपर हालांकि नहीं दिया है बट इसके देने से भी काम हो जाएगा बढ़िया बारिश के सीज़न में। उसके अलावा आपको मिल जाता है एंटीना यहाँ पे, जो शार्क फिन नहीं है, बेसिक एंटीना ही है। तो कुछ इस तरीके से गाड़ी का रेयर प्रोफाइल है। अब मैं बूट ओपन करके आपको बताता हूँ। तो बूट आपको बूट स्पेस मिल जाता है 265 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। गाड़ी में पार्सल ट्रे भी दिया गया है और बढ़िया से आपके दो बैग्स तो आपके इजीली यहाँ पे आ जाएंगे। और हम लोग अगर देखें तो जो एक्स्ट्रा टायर दिया गया है उसका भी प्रोफाइल सेम ही है, बेसिकली 165/80 R14 14 इंच का व्हील दिया गया है जो स्टील रिम के साथ ही आता है। और कुछ इस तरीके से और हाई माउंट स्टॉप लैंप भी मिल जाता है हमें। तो इस तरीके से कुछ है गाड़ी का रेयर प्रोफाइल। अब बढ़ते हैं साइड प्रोफाइल पे। तो भाई अब ये है अपने गाड़ी का साइड प्रोफाइल। तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहला चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने आपको बताया फ्रंट लुक्स चेंज हो गया है, रेयर लुक्स गाड़ी का चेंज हो गया है। और ये जो आप क्रीज देख रहे हो गाड़ी में, ओवरऑल गाड़ी में ये लाइनिंग है जो पुराने स्विफ्ट में नहीं आती थी, थर्ड जनरेशन में थोड़ा सा राउंडिश होता था। अब इसको जो इन्होंने एलिमेंट दिया है ओवरऑल पूरी कार पे दिया गया है, जिससे अपनी ये गाड़ी लुकती है, दिखती है बेसिकली देसी मिनी कूपर। आप कमेंट करके बताना मुझे। तो भाई पहला चीज़ तो है कि ये क्रीज डाल के लुक्स पूरा चेंज कर दिया है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डोर हैंडल यहाँ आता था, अब डोर हैंडल अपना ट्रेडिशनल वे में इधर ही डोर पे ही आ गया। बहुत जनों को वो कंफर्टेबल नहीं लगता था, ये बढ़िया लगता है। तो अपना डोर हैंडल अपने को यहाँ आ जाता है। उसके अलावा हमें यहाँ पे मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर्स। मारुति के हर गाड़ी में रिक्वेस्ट सेंसर्स तो दोनों डोर्स पे, अनलाइक हुंडई खाली एक ही देता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और फिर हम लोग यहाँ बढ़ते हैं बेसिकली अपने ORVM पे। तो ORVM में आप देखोगे तो यहाँ पे अपने को टर्न इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। उसके अलावा जो व्हील्स है, बेसिकली व्हील्स का प्रोफाइल जो है वो है 165/80 R14। आप ZXI मॉडल में जाओगे टॉप मॉडल में तो आपको 15 इंच का मिलेगा भाई। तो ये आते हैं स्टील व्हील्स के साथ में। और ब्रेक्स की मैं अगर बात करूँ तो आगे अपने को मिलते हैं डिस्क ब्रेक्स और पीछे मिलते हैं हमें ड्रम ब्रेक्स जो स्टैंडर्ड आते हैं। तो अब डायमेंशन की मैं अगर बात करूँ तो गाड़ी का जो डायमेंशन है वो उसका जो विड्थ है वो है 1735 mm, और गाड़ी की जो लेंथ है वो है 3860 mm, जो 15 mm जास्ती है ओल्ड जनरेशन से। और मैं व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो अपने को मिलता है 2450 mm का व्हील बेस, और अपने हाइट मिलती है 1520 जो थोड़ी सी कट हो गई है 10 mm, बट मोटा मोटी उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिखेगा भी नहीं। तो ये थे कुछ गाड़ी के डायमेंशन। भाई वीडियो के एंड पे है ना आपको बने रहना है, क्योंकि उसमें आपको एक मैं आपके काम की चीज़ बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना और लास्ट तक देखना, और आपके फ़ायदे की बात ही बताने वाला हूँ। तो भाई अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो पहला हम यहाँ देखेंगे रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है क्योंकि हमारे पास कीलेस एंट्री है। उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं डोर पैड्स पे। तो डोर पैड्स पे आपको यहाँ पे कुछ सॉफ्ट टच मिल जाता है कपड़े का, और यहाँ पर भी कपड़े का है जो सॉफ्ट है। कुछ छोटी सी स्पेस दी गई है की रखने के लिए, और हमें यहाँ पे डोर हैंडल मिलता है क्रोम फिनिश में। आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं और ड्राइवर साइड जो है ऑटो अप है, ऑटो डाउन फीचर्स दिया गया है। उसके अलावा लॉक अनलॉक और हमें इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिरर के ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो ये भी कुछ बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके अलावा हमें यहाँ पे स्पीकर्स मिलते हैं गाड़ी में 4, और ये बॉटल होल्डर है, और यहाँ कुछ छोटा सा कुछ आप पेपर्स वगैरह रख सकते हो। तो ये कुछ है आगे का फ्रंट का। अब चलते हैं पीछे साइड पे। पीछे साइड पे मुझे ये बहुत चीज़ अच्छा लगा, ये बहुत अटकता था बहुत लोगों को कि ऊपर हैंडल होता था, ये ट्रेडिशनल सही लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसे लग रहा है। तो ये जी खोला हमने बैक डोर। तो बैक डोर में भाई क्रोम डोर हैंडल, पावर विंडो यहाँ पे छोटा सा, और एक छोटा सा 500 ml का ही
बॉटल होल्डर है, जो छोटी बॉटल आएगी बड़ी बॉटल नहीं आएगी। और भाई ये प्लास्टिक है, यहाँ क्यों कंजूसाई कर रही, यहाँ कुछ सॉफ्ट टच देना चाहिए था कंपनी को। उसके अलावा आपको बाकी का जो ये चीज़ें हैं, व्हील कवर्स हैं जो कंपनी देती है जब भी फाइनल फिनिशिंग और फिटिंग करते तभी, तो कुछ इस तरीके से है यहाँ पर बेसिकली डोर के रिलेटेड। और मैं अगर फ्यूल टैंक की बात करूँ तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है अपना 37 लीटर्स, बूट का जो कैपेसिटी है 265 लीटर्स, जो बेसिक एक छोटी फैमिली के लिए अगर आप पिकनिक पे जा रहे हो तो इजीली आप दो बैग्स और बैकपैक्स इजीली डाल सकते हो। तो बहुत सी बढ़िया है, स्पेस तो काफ़ी डिसेंट इनफ दी गई है। तो अब चलते हैं इंटीरियर में और अंदर की गाड़ी की बातें करते हैं अंदर बैठ के। तो अब बैठ चुके गाड़ी में अंदर, और अंदर से यहाँ पे बात करें तो भाई पूरा इंटीरियर आपको ब्लैक ही मिलने वाला है जैसे पहले आता था। बट अभी ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लोटिंग टाइप उन्होंने इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया है, और थोड़ा सा बलेनो और फ्रॉन्स का फ्लेवर मिल रहा है गाड़ी में। यहाँ पर जो डिज़ाइन ओवरऑल है इनका, तो वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी डैशबोर्ड तो हार्ड प्लास्टिक ही है बट फुल ब्लैक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से पहले, तो अपने को भाई यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और VXI ऑप्शनल गाड़ी है, इसके लिए हमें यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, ओके। और यहाँ पे हमें ट्रैक्शन कंट्रोल है और आइडियल स्टार्ट स्टॉप भी दिया गया है, और यहाँ पर है हेडलाइट लेवलर। अब बात करें यहाँ पर स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग अपना डी कट ही है बट हाँ कोई लेदर फिनिश नहीं है, जो बेसिक स्टेयरिंग आता है वो है। इस साइड पर हमें कोई कंट्रोल्स नहीं है, क्रूज़ कंट्रोल्स जो कि आते हैं अपने टॉप मॉडल पर। और यहाँ पर मस्त सुजुकी का लोगो, और यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल्स, और यहाँ पर आप देखोगे तो ब्लूटूथ कंट्रोल्स। फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं इस साइड पे, और इस साइड पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो हमें मिल जाते हैं वाइपर के कंट्रोल्स। तो कुछ इस तरीके से गाड़ी का स्पीडोमीटर यहाँ पर दिखता है बेसिकली। तो यहाँ मैं बात करूँ आपको तो हमें एडजस्टमेंट तो इधर ही मिल रहा है, और यहाँ पे MID आ जाती है जो पहले नहीं आती थी VXI में, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और अपना स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, और बाकी आपको एवरेज रेंज बताता है और ओवरऑल रेंज क्या है और कितना माइलेज दिया वो है करके, तो ये सारे आपको बेसिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। उसके अलावा भाई यहाँ पे टाइम है और टेम्परेचर भी दिखा रहा है, 36 डिग्री, देखे हो अभी 36 डिग्री का टेम्परेचर है भाई, तो वो सारा है। और बढ़ते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ये अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम है भाई। इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले वायरलेस है भाई, वायरलेस है, मारुति ने भी वायरलेस दे दिया भाई सही। यहाँ पे अपना हजार्ड है, और ये जो है अपना एसी कंट्रोल का यूनिट है, दिखने में बहुत ही प्यारा दिखता है, जो अगेन फ्रॉन्ट्स और बलेनो जैसा ही है, फिनिशिंग बटन जैसे दिए गए। बट आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ सारे बटन्स हैं बेसिकली, तो वो जो गोले आते हैं वो गोले नहीं हैं राउंड, बल्कि यहाँ छोटे से बटन्स हैं। तो आपको लगेगा ये एकदम ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के जैसे लुक्स आते हैं ना, वैसे ही है। तो मोटा मोटी मैं बोलूँ तो भाई लुक्स तो इनहेंस कर ही देते हैं। बाकी अपने AC वेंट्स यहाँ पर, और यहाँ अपना ग्लोव बॉक्स आ गया, तो ग्लोव बॉक्स भी डिसेंट इनफ स्पेस है, यहाँ पे काफ़ी जगह है तो बढ़िया है काफ़ी। भाई अपना सिस्टम जो यहाँ पे आता है वो आता है स्मार्ट प्ले प्रो, 7 इंचेस का सिस्टम है, और इसका टच जो भी है बेसिकली वो भी काफ़ी बढ़िया है। आप देखोगे सही टच है, कोई इश्यूज़ नहीं है यहाँ पे, एकदम स्मूथ है, तो काफ़ी अच्छा टच है इसका। और आप ये कंट्रोल यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो तो काफ़ी बढ़िया है। बाकी आपको सिस्टम के कंट्रोल भी यहाँ पे दिखाता है, फ्यूल इकोनॉमी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, तो वो डिटेल्स भी सारी अपनी यहाँ मिल जाती है। तो अब बढ़ते ही नीचे, यहाँ पे हमें मिल जाता है एक USB, और यहाँ पे हमें 12 वॉट्स का सॉकेट स्टैंडर्ड वाला मिल जाता है। यहाँ पे कुछ स्पेस है आपकी मोबाइल वगैरह रखने के लिए, दो कप होल्डर हैं, यहाँ पे आप चीज़ रख सकते हो। और भाई ये है अपना AGS जो बेसिकली आप देख रहे हो ऑटोमेटिक कंट्रोल, और अपना ये हैंड ब्रेक का लीवर। भाई यहाँ पे क्रोम दिया गया है ना, ये बहुत बढ़िया लगता है क्रोम फिनिश वाला। तो कुछ इस तरीके से है गाड़ी का, यहाँ पर आप देखोगे तो आगे का ये ऐसे दिया है आपको, यहाँ पे डोर हैंडल्स दिए गए हैं, और ये कुछ ऐसे लाइट है यहाँ पे अपना। बाकी सन वाइज़र, यहाँ पे टिकट होल्डर है ड्राइवर साइड, और यहाँ पे मिरर दिया हुआ है, वैनिटी मिरर। बाकी जो IRVM है वो भाई मैन्युअली है, देख रहे हो आप। तो हॉर्न का आवाज़ सुनाता हूँ कितना है, ड्यूल हॉर्न है इसमें तो काफ़ी सही है, तो ऑल ओके। और सिस्टम का आवाज़ भी सुनाता हूँ, सिस्टम स्मार्ट प्ले प्रो 7 इंचेस का है, वो भी काफ़ी बढ़िया है। दीदी ने गुड आफ्टरनून कर दिया,
और मैं आपको तो म्यूज़िक भी काफ़ी सही है, आवाज़ काफ़ी सफिशेंट इनफ है चारों स्पीकर्स के साथ में। तो भाई बंद करते हैं अब इसको यहाँ पर। तो भाई अगर आप VXI ले रहे हो या VXI ऑप्शनल गाड़ी ले रहे हो तो मेरा सजेशन रहेगा आप हमेशा VXI ऑप्शनल गाड़ी ले लो। 30,000 का डिफरेंस है। VXI AMT जो है वो 780,000 की एक्स शोरूम है, और 30,000 अगर एक्स्ट्रा डालते हो 806 तो उसमें आपको मिल जाता है कनेक्टेड कार फीचर्स और पुश स्टार्ट और कीलेस एंट्री। बॉय 30,000 ये तीन चीज़ों के लिए फुल्ली वर्थ है। तो आप VXI के बदले आप VXI ऑप्शनल ले लो तो वो बढ़िया चीज़ रहेगा। तो अब बात करते पहले पीछे की, पीछे बैठ के देखते। मैंने आगे सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट कर दी है और अब मैं पीछे बैठता हूँ और देखते भाई यहाँ पे। तो ये जो बॉक्स आता है इनका व्हील कवर्स आते हैं, तो मैं पहले इसको शिफ्ट करता हूँ। भाई यहाँ पे 3-point सीट बेल्ट भी आ जाता है। तो भाई यहाँ पीछे का जो सीट है बेसिकली अपने को जो हेडरेस्ट है वो बैक के फिक्स्ड है और बीच में कोई हेडरेस्ट नहीं है, और जो सीट है वो अपनी पूरी जाती है। 60-40 का स्प्लिट नहीं है। बाकी अपने को 3 सीट बेल्ट मिल जाते हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए, तो वो सेफ्टी का ध्यान रखा गया है मारुति ने। और मैं यहाँ देखो तो छोटा सा कप होल्डर भी दिया गया है पीछे, तो छोटी पानी की बॉटल आ जाएगी बाकी। और जो आगे के हेडरेस्ट है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अब पहले पीछे बैठते हैं और देखते हैं कितना स्पेस है। तो मैंने मेरी सीट जो है आगे की सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट कर दी है। मेरा हाइट है 5'10" और मैं यहाँ मस्त कंफर्टेबल बैठा हूँ। तो आप देखोगे थाई सपोर्ट भी इनफ है, डिसेंट इनफ है, और मुझे लेग रूम भी मिल जाता है काफ़ी सारा, एकदम कंफर्टेबल बैठ सकता हूँ मैं आराम से यहाँ पे। और मुझे नी रूम भी है जो काफ़ी सही लग रहा है। और हेड रूम की मैं बात करूँ तो मेरे पास इनफ सफिशेंट हेड रूम भी है यहाँ पे आप देख रहे हो। बाकी पीछे के पैसेंजर्स के लिए यहाँ ड्रोर गैप हैंडल भी दिया गया जो एकदम सॉफ्ट टच है। और बाकी क्या बचा अपना, बस ठीक है पीछे आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है जो मैंने आपको पहले बता दी। तो कुछ इस तरीके से जो पीछे का पैसेंजर्स बैठे रहेंगे उनको कुछ इस तरीके से व्यू आएगा। भाई प्लास्टिक व्लास्टिक को छोड़ देना, ये नई गाड़ी है तो ऐसा कुछ आपको व्यू आएगा भाई, बढ़िया लग रहा है। बाकी यहाँ लाइट नहीं दी है, सीधा आगे ही लाइट दे दी है। तो भाई अब आ गया वीडियो समाप्त करने का टाइम। तो उसके पहले सबसे पहले मैंने आपको एक बात कही थी, वीडियो के एंड पे बने रहना, आपके बते की बात होने वाली है। तो हाँ जी, पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सुप्रीम ऑटोमोबाइल्स मीरा रोड मुंबई में जिन्होंने हमें ये गाड़ी प्रोवाइड की है। तो आपके पते की बात ये है, हमारा चैनल का रेफरेंस लेके जाइए, मेरा नाम बोलिए दीपक, और आपको गाड़ी रेडी डिलीवरी और अच्छे प्राइस पे मिल जाएगी। एक्सेसरी हो मारुति अरेना की या गाड़ी हो तो बढ़िया सा प्राइस आपको मिल जाएगा। तो आपको मैं नीचे नंबर और नाम छोड़ रहा हूँ, स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो या आप मुझे भी DM कर सकते हो। उसके अलावा मेरा पर्सनल Insta ID और मोटोस्पीड का Insta ID नीचे दे रहा हूँ, उनको भी प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा, प्यार बरसाते रहिएगा। और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ YouTube चैनल हमारा मोटोस्पीड इंडिया उसको फॉलो कीजिए और वहाँ पे भी प्यार अपना बरसाइए। चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जो आती है वहाँ पे ज़रूर हिट करना ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना करें। भाई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत से ताबड़तोड़ वीडियोज़ आने वाले हैं जल्दी जल्दी। तो अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।